एक क्रैसोल की जेन्युइन सील है, एक फ्रेंड्स। तो आज की जो ये वीडियो है ये मेरे कार के ऊपर है। फ्रेंड्स ये मेरी i20 है, पेट्रोल i20। इसका मैं आज सर्विस करने वाला हूँ। तो सर्विस में मैं इंजन ऑयल और ऑयल फिल्टर रिप्लेस करने वाला हूँ, लेकिन उसके पहले मैं ये गाड़ी का इंजन फ्लश करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स इंजन फ्लश करने से पहले गाड़ी को अच्छा खासा गर्म करना पड़ता है। तो ये देखो मेरा गाड़ी अभी पूरी ठंडी है, अभी जस्ट मैंने स्टार्ट भी नहीं किया। तो मैं अभी जा रहा हूँ पेट्रोल को फुल करने। ये देखो मेरा फ्यूल का गेज मीटर और ये कूलेंट का गेज मीटर, टेम्परेचर का गेज मीटर। तो उसी बहाने फिर गाड़ी भी अच्छा खासा गर्म हो जाएगा। मेरे घर से जो पेट्रोल पम्प है वो 8 से 9 किलोमीटर रिटर्न है। तो अभी आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखो फ्रेंड्स मैंने अभी टैंक को कर लिया फुल और ये देखो कूलेंट का गेज मीटर, इससे आपको पता चला होगा कि गाड़ी अभी हो चुका है गर्म। तो अभी मैं आगे का काम स्टार्ट करता हूँ। तो फ्रेंड्स आज मैं मेरी कार में यूज़ करने वाला ये वाला ऑयल 5W30 फुल सिंथेटिक ऑयल। और ये देखो इसके ऊपर लिखा भी है कि ये पेट्रोल डीजल और CNG एंड हाइब्रिड्स के लिए सपोर्टेड है ये ऑयल। और मैंने बहुत सारी कार देखी, उसमें कंपनी कार मैनुअल कहता है कि 5W30 ग्रेड ही रिकमेंडेड है, बट इसमें एक और ऑयल आता है 5W40, आप वो भी यूज़ कर सकते हो। उस पर भी सेम लिखा हुआ है पेट्रोल डीजल CNG का, बट मैं हमेशा स्टार्टिंग से यही ऑयल यूज़ करते आ रहा हूँ। मेरी गाड़ी को करीब करीब अभी हो चुके हैं 9.5-10 साल हो चुके हैं। और फिर ये देखो ये हुंडई का जेन्युइन ऑयल फिल्टर जिसके ऊपर ये देखो किया की ब्रांडिंग है। तो ये मुझे ऑयल फिल्टर मिला है, इसका MRP है 98 रुपीज़, बट डिलीवरी चार्ज पकड़ के कुछ 40 रुपये डिलीवरी चार्ज लगा है, बुडमो से लिया है मैंने। उसके बाद आज मैं इसकी ये इंजन फ्लश यूज़ करने वाला हूँ उसके अंदर। तो फ्रेंड्स ये जो इंजन फ्लश है ये 300 ml का है, ये देखो। और इंजन फ्लश का थंब रूल क्या है कि 50 ml 1 लीटर ऑयल के लिए। तो मेरा कार का जो कैपेसिटी है वो है 3.5 लीटर, तो मैं यूज़ करूँगा इसमें से 200 ml। तो ये देखो ये बॉटल 200 ml का है, तो ये बॉटल की हेल्प से मैं 200 ml इसमें मैं ऐड करूँगा। तो फ्रेंड्स आपके पास ज़्यादा इंजन ऑयल कैपेसिटी वाली कार होगी 5 लीटर 7 लीटर, जैसे कि इनोवा फॉर्चुनर है, उसमें आप ये पूरा डब्बा ऐड करके इंजन फ्लश कर सकते हो। मैंने जो ब्रांड यूज़ किया वैक्सपॉल है, मार्केट में काफ़ी ब्रांड्स है। और ये कुछ टूल्स हैं, तो ये फिल्टर रेंज है ऑयल फिल्टर को ओपन करने के लिए, और ये 14-15 का पाना है जो मेरे ड्रेन नट को लगता है, अभी मुझे याद नहीं है। और फ्रेंड्स मैं ये कार को अभी 2 साल बाद ऑयल रिप्लेस कर रहा हूँ, क्योंकि 2 साल तो लॉकडाउन में गए। मैंने जनवरी 2020 में इसका ऑयल रिप्लेस किया था, उसके बाद 2020 में मेरा गाड़ी 1500 किलोमीटर रन हुआ है, और 2021 में भी इतना कुछ काम नहीं था इसलिए गाड़ी चला ही नहीं। इसके लिए मैं आज इसका ऑयल रिप्लेस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं अभी क्या करूँगा, ये गाड़ी को मैं टायर से अप करने वाला हूँ, ताकि मुझे अंदर जाने के लिए एक्सेस भी मिलेगा इजीली। और जो इसका ऑयल चैम्बर है वो भी डाउन साइड में होता है, तो ऑयल गिरने के लिए बेटर होगा। तो फ्रेंड्स मैंने अभी कार को कर लिया ऊपर, एक ईट तो टूट गया लेकिन ये ईट से हो गया, क्योंकि जो ऑयल चैम्बर है वो मेरा राइट हैंड साइड पर है, तो वो ऑयल को ड्रेन होने के लिए जो इंजन ऑयल फ्लश से जो स्लज होगा वो भी अच्छे से निकल जाएगा। तो फ्रेंड्स ये देखो मैंने अभी ये बॉटल की हेल्प से 200 ml इंजन फ्लश को इसमें ऐड कर लिया। अभी सबसे पहले मैं ये जो मेरा ऑयल का जो मेकअप है इसमें मैं ये इंजन फ्लश है वो ऐड कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने अभी इंजन फ्लश ऐड कर दिया, अभी मैं कार को स्टार्ट करता हूँ और मैं कार को 10 से 15 मिनट आइडियल पे छोड़ूंगा। कार को रन नहीं करना है, आइडल पे रन करना है, ताकि अच्छे से जो स्लज वगैरह है वो साफ़ हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मेरी कार जो है वो मिनिमम किलोमीटर रन हो चुकी है, बट कार को करीब करीब 9.5-10 साल हो चुके हैं, तो स्लज हुआ होगा। मैं टाइम टू टाइम सर्विस करता हूँ, कभी लॉकडाउन की वजह से मैंने ऑयल को रिप्लेस नहीं किया है 2 साल तक, नहीं तो मैं हर साल में 10,000 किलोमीटर या 1 साल में ऑयल को चेंज करता हूँ। अभी मैं कार को करता हूँ स्टार्ट। तो ये देखो अभी टाइम हो चुका है 6:10, अभी आइडल पे छोड़ देता हूँ मैं 10 से 15 मिनट के लिए। फ्रेंड्स टाइम काफ़ी हो चुका है,
मैंने आपको 10 से 15 मिनट बोला था लेकिन 18 मिनट हो चुके हैं। मैंने 6:10 पे गाड़ी को स्टार्ट किया था, अभी हो चुके हैं 6:28, तो 18 मिनट हो चुके हैं। ये देखो गाड़ी अभी भी स्टार्ट है, अभी मैं कार को करता हूँ बंद। तो ये देखो फ्रेंड्स, ये मेरा ड्रेन नट है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मेरे ड्रेन नट को 14-15 का पान लगता, लेकिन ये 16-17 का पान लगता है इसको, मेरे को अभी याद नहीं था। तो इसको मैं अभी ओपन करता हूँ, और ये है ऑयल फिल्टर, इसको भी मैं रिमूव करता हूँ। सबसे पहले मैं इंजन ऑयल को ड्रेन करता हूँ। ये देखो ड्रेन को कर लिया ओपन, और अभी ऑयल हो रहा है अच्छे से ड्रेन। और सेफर साइड में ये कैप को भी ओपन करता हूँ ताकि एयर मिल जाएगा और ऑयल पूरा निकल जाएगा। फ्रेंड 2 साल बाद भी ऑयल का जो कंडीशन है वो अच्छा है, ये देखो। लेकिन फिर भी आप कार को रन करो या मत करो, साल में एक बार या फिर 8 से 9 हज़ार किलोमीटर के बाद ऑयल को रिप्लेस करना मैंडेटरी है, अगर आपकी गाड़ी को अच्छे से मेंटेन रखना है तो। अभी पूरा अच्छे से गिरने देते ऑयल को पूरा। देखो फ्रेंड्स, अभी ऑयल पूरा ड्रेन हो चुका है और मैंने ऑयल फिल्टर को भी निकाल लिया है। और ये देखो नया ऑयल फिल्टर। तो फ्रेंड्स, नया ऑयल फिल्टर को ये जो ओरिंग होता है उसके ऊपर पुराना ऑयल लगाना, नया ऑयल लगाया तो भी चलता है, पुराना ऑयल लगाया तो भी चलता है। ड्राई में ऑयल फिल्टर को मत लगाना, ये ओरिंग के ऊपर ऑयल लगाने से ये जो ओरिंग है परफेक्टली फिट हो जाता है। अगर आप ड्राई में लगाओगे तो कभी कभी ऑयल फिल्टर से ऑयल लीकेज का प्रॉब्लम हो जाता है। अभी मैं फ्रेंड्स ऑयल फिल्टर को लगा लेता हूँ, उसके बाद ड्रेन नट को लगा लेता हूँ। तो ये देखो फ्रेंड्स, मैंने न्यू ऑयल फिल्टर को भी लगा दिया है और ड्रेन नट को भी लगा दिया है। तो फ्रेंड्स, अभी मैं न्यू इंजन को टॉप अप करता हूँ। तो ये देखो मैंने कैप को ओपन कर लिया, और ये देखो सील, एक क्रैस्टल की जेन्युइन सील है, ये कभी कभी ब्लैंक होता है। फ्रेंड्स, ये इंजन मैंने अमेजोन से बाय किया है, आप लोकल शॉप से भी बाय कर सकते हो। अमेजोन पे मुझे ये मिला है 1926 का, ऑनलाइन पे था 2000 का कुछ समथिंग था। ये देखो इसका MRP है 2285, और मुझे मिला है जनवरी 2022 का। तो फ्रेंड्स, ये मेरी गाड़ी को हो चुके हैं 10 साल, और लॉकडाउन में मेरे पास काफ़ी टाइम था, तो मैंने सेफर साइड इसका सबसे पहले मैंने ये अल्टरनेटर बेल्ट रिप्लेस किया। अच्छा था मेरा ओल्ड वाला भी, फिर भी मेरे किलोमीटर इतने नहीं हो चुके हैं, 17-18 हज़ार मेरी गाड़ी रन हो चुकी है। उसके बाद मैंने गियर ऑयल को भी चेंज किया। गियर ऑयल 5 साल में रिप्लेस करो या फिर 50 हज़ार किलोमीटर पर रिप्लेस करो। उसके बाद मैंने स्पार्क प्लग भी रिप्लेस किए, बस रेडिएटर फ्लश करना बाकी है, वो नेक्स्ट मंथ में करने वाला हूँ, चैनल पे उसका वीडियो आ जाएगा। रिसेंटली मैंने इसका ब्रेक ऑयल, क्लच ऑयल भी फ्लश किया है, पूरा रिप्लेस किया है। देखो ऊपर आई कार्ड में लिंक आया है। और लास्ट मंथ मैंने इसका न्यू एयर फिल्टर भी रिप्लेस किया है। अभी मैं ऑयल को टॉप अप कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, ऑयल पूरा अभी टॉप अप हो चुका है, एक बार मैं अभी डिपस्टिक लेवल चेक करता हूँ। ऑयल अभी नीचे तक आया नहीं है, थोड़ा वेट करते हैं। तो फ्रेंड्स, डिपस्टिक लेवल अभी नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले करते हैं कार को स्टार्ट। कर स्टार्ट, ये देखो फ्रेंड इंजन का नॉइज देखो, एकदम स्मूथ। ऑयल भी अच्छी क्वालिटी का है, क्रैस्टल का है, और इंजन फ्लश भी किया मैंने कार का। इसके पहले भी मेरा जो कार का जो नॉइज़ लेवल है वो इतना ही था, शायद इससे थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है। अभी चेक कर रहे हैं डिस्ट्रिक लेवल, अभी भी नहीं, थोड़ा वेट करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ।